क्रिकेट मैदान पर कोई भी फैन आ जाए तो सिक्योरिटी उसे छोड़ती नहीं है बल्कि पकड़कर बाहर ले जाती है। लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। न्यूजीलैंड के हेडिंगले ओवल मैदान पर न्यूजीलैंड इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें पहले दिन केन विलियमसन ने शानदार प्रदर्शन किया, 93 रनों की शानदार पारी खेली और न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे बेस्ट बल्लेबाज पहले दिन रहे। लेकिन इस मैच में लंच ब्रेक के दौरान ऐसा नजारा दिखा जिसको देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। दरअसल लंच ब्रेक के दौरान फैंस पिच तक पहुंच गए, पूरा मैदान फैंस से भर गया और फैंस कहीं फोटो ले रहे थे तो कहीं क्रिकेट फैंस मैदान पर ही खेलते दिखे और काफी ज्यादा तादाद में फैंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि मैन पिच से फैंस दूर रहे, लेकिन ये कैसे हुआ तो बता दें कि मैनेजमेंट ने ही फैंस को मैदान में आने की इजाजत दी थी, परमिशन दी थी कि आ जाइए मैदान पर। और लंच ब्रेक के दौरान फैंस को ये परमिशन दी गई, जहां पर फैंस भारी तादाद में मैदान पर पहुंच गए, लेकिन पिच जो मैन पिच थी उस मैन पिच पर फैंस को नहीं चढ़ने दिया। बाकी पूरे मैदान में फैंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैन पिच पर सिक्योरिटी घेरा बनाया हुआ था और बाकी मैदान पर पूरे फैंस आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा नजारा बहुत कम आपको देखने को मिला होगा जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट के पहले दिन देखने को मिला न्यूजीलैंड के मैदान पर। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है और मैनेजमेंट के इस कदम की प्रशंसा भी हो रही है।